प्रथम तहलका न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस का आज चिंतन शिविर है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विवेक बंसल और कुलदीप बिश्नोई को न्योता नहीं दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर है। और आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो की नेता प्रतिपक्ष है, उनके समेत पार्टी के कई बड़े नेता जो है इस चिंतन शिविर में मौजूद होंगे। वहीं आपको बता दें कि विवेक बंसल और कुलदीप बिश्नोई को चिंतन शिविर का न्योता नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का एक दिवसीय चिंतन शिविर जो है कई मसलों पर विस्तार से इस चिंतन शिविर में चर्चा होगी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा इस शिविर में की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस का आज चिंतन शिविर है। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस चिंतन शिविर में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विवेक बंसल और कुलदीप बिश्नोई को न्योता नहीं दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है, जहां हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर है। और आपको बता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनके समेत पार्टी के कई बड़े नेता जो है इस चिंतन शिविर में मौजूद होंगे। वहीं आपको बता दें कि विवेक बंसल और कुलदीप बिश्नोई को चिंतन शिविर का न्योता नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का एक दिवसीय चिंतन शिविर जो है कई मसलों पर विस्तार से इस चिंतन शिविर में चर्चा होगी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी चर्चा इस शिविर में की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो पंचकुला से आ रही है।